हरियाणा आगे है, जो स्कोर है वो है 3-2 का। कमजोरियां हैं जो खूबियां हैं अच्छे तरीके से जानती हैं, और यहां पर जो अच्छी स्ट्रेटजी बनाएगा और जिसका आत्मविश्वास ज्यादा होगा वो आज की इस बाउट को जीत जाएगा। और तकरीबन 2 मिनट के आसपास थोड़ी लेट दी है शिन हाई जुंग ने पैसिविटी, हालांकि इसका कोई रूल नहीं है, 1.5-2 मिनट कभी भी चाहे रेफरी किसी एक रेसलर को पैसिव डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्रेशर अब सरिता पर है, और देखिए अब एक कैरी पट पकड़ी है यहां पर, सिंगल लेग अटैक बाहर धकेलने की कोशिश, और यहां पर अंक जरूर मिलेंगे, 2 मिलता है या 1 ये देखना। स्क्रीन पर इनके पिताजी आमिर खान ने भी कहा था कि अटैक ही करना है आपको। यहां सरिता के लिए मौका है पहले पॉइंट बटोरने का, अच्छा डिफेंस वहां गीता का, टेक डाउन की ट्राई कर रही थी सरिता, लेकिन यहां खुद को बचाना भी उतना जरूरी है। और ये देखिए ये यही बिल्कुल आखिरी लम्हे हैं, गीता ने खुद को बचा लिया अंतिम पॉइंट से, सरिता ने आखिरी 30 सेकंड में भरपूर कोशिश की। गलत नहीं होगा, आज गीता फोगाट ने अपनी टीम के लिए एक अहम जीत हासिल करी है, आज यूपी दंगल जीतता है तो गीता फोगाट का उसमें अहम रोल होगा, क्योंकि ये बाउट बड़ी करीबी मानी जा रही थी।